हेलो गाइस, तो दोस्तों पीके के साथ में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों लेके चलेंगे दोस्तों खबीज जीन को। दोस्तों आप कैसे मतलब कि पता लगाएं, जैसे कि खबीज जीन दोस्तों की टॉयलेट में रहते हैं कि नहीं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, खबीज जीन दोस्तों बहुत ही गंदे होते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों उनकी साधना करते हैं, अगर आप उनको देखते हैं दोस्तों, वो इतना दोस्तों आपको मतलब डरावना दिखेंगे और इतना उनके देह से दोस्तों बदबू आएगी कि पूछो मत। तो दोस्तों खबीज जिन के दोस्तों यही राज है। तो दोस्तों खबीज जिन दोस्तों होते क्या हैं? दोस्तों खबीज जिन दोस्तों हरदम दोस्तों टॉयलेट में रहते हैं। दोस्तों खबीज जिन दोस्तों हरदम दोस्तों टॉयलेट में रहते हैं। और दोस्तों आपके घर में दोस्तों अनलिमिटेड दोस्तों वो टॉयलेट में रहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, कोई भी दोस्तों स्त्री और पुरुष को ज़्यादा नहीं, स्त्री को मैं बता दूँ कि ज़्यादातर दोस्तों स्त्री को दोस्तों टॉयलेट में 12 बजे और 1 बजे के बीच में नहीं भेजा जाता, क्योंकि दोस्तों खबीज जिन दोस्तों उसके अंदर और उस वक्त मतलब कि सामने ही मौजूद होते हैं खबीज जिन दोस्तों। और दोस्तों वो जिन दोस्तों सिर्फ दोस्तों टॉयलेट में ही पाए जाते हैं और दोस्तों कहीं नहीं। और दोस्तों ये ज़्यादातर दोस्तों टॉयलेट में दोस्तों सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों जिन होते हैं इतना दोस्तों मतलब कि फास्टली दोस्तों सिद्ध होते हैं कि क्या बताऊँ। हाँ तो दोस्तों इनकी जो साधना होती है दोस्तों, मैं बात बता दूँ कि दोस्तों आपके घर में दोस्तों जो अंदर टॉयलेट रहता है या मतलब बाहर टॉयलेट रहता है उसके अंदर दोस्तों ये जीन दोस्तों पाए जाते हैं। दोस्तों ये जीन दोस्तों इतना दोस्तों डरावना होते हैं, अगर इनकी दोस्तों साधना की जाती है, अगर दोस्तों इनकी साधना होती है बहुत डरावना होती है दोस्तों। और दोस्तों जब इनकी दोस्तों आप साधना करेंगे और दोस्तों इसकी दोस्तों एक मंत्र आती है, दोस्तों आपको करना क्या है विधि विधान में दोस्तों मैं बता दूं। दोस्तों अगर आप रात को 12 से 1 बजे के बीच में जाते हैं तो आपको साधना करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, वो जिन दोस्तों आपके सामने ही मतलब कि टॉयलेट खोलेंगे वो सामने ही बैठा होगा या खड़ा होगा। अगर वो खड़ा नहीं होगा तो सिर्फ जाना है, आपके सामने ही होगा लेकिन देखेगा नहीं। ये साधना दोस्तों बहुत ही डिफरेंटली है। और दोस्तों जब जाइएगा और 12 और 1 बजे के बीच में जाके कहना है हे खबीस जिन, मैं तुझे सिद्ध करना चाहता हूँ, और कोई चीज़ का दोस्तों मिठाई लेते जाए बस और बोल दे ये जिन खबीस जिन मैं तुझे सिद्ध करना चाहता हूँ, वो दोस्तों आ जाएगा आपके सामने। आपको डरना नहीं है 12 और 1 बजे के बीच में जाइएगा तो। अब बाकी सब दोस्तों स्क्रीन पर साधना देते हैं तो वो दोस्तों दिन में देते हैं, तो वो सब मतलब साधना में आपको मंत्र से बुलाना होगा, इसमें जाएगा तो अनलिमिटेड जिन खड़ा होगा या दिखेगा नहीं या आपको दिख भी जाएगा, रूहानी ताकत की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसा ही वो दोस्त हाँ तो दोस्तों तो वही दोस्तों जो बात मैं बताया हूँ, तो खबीस जिन दोस्तों अगर आपको सिद्ध करना होगा। और दोस्तों मैं एक बात और आपको लाजमी दोस्तों बात बता दूँ, ये जो ज़रूरी बात है, NPA इनको दो NPA से जो नाम शुरू होता है और दोस्तों लास्ट में D या S या N ख़त्म होता है, ये आदमी दोस्तों साधना कभी जिनका ना करें। दोस्तों मैं बताऊंगा फिर अगले वीडियो में क्यों, वीडियो लंबा हो रहा है, ये दोस्तों ये साधना कभी ही ना करें कभी जिनका। अगर वो झूठ बोलेंगे और वो साधना करेंगे तो सिद्ध सी बात बता रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही तड़प तड़प के मरेंगे। दूसरा आदमी दोस्तों साधना कर सकता है, और जिसका दोस्तों सिर्फ N और लास्ट में फिर N, अगर ऐसा नाम आता है वो तो ज़्यादा महीन मरेंगे। जिसका शुरू से नाम स्टार्ट होता है लास्ट में फिर वही नाम जाके ख़त्म होता है, वो लाजमी दोस्तों मरेंगे। और दोस्तों ये दोस्तों जिन दोस्तों में बता दूँ खबीस जिन, ये दोस्तों इन आदमियों के सबसे पहले नाम पूछता है जब आता है सामने तो। और दोस्तों पूछता है अगर दोस्तों आपने झूठ बोला ये पता लगा लेगा तो और बेहतर उसमें सिटी में बाथरूम में घुसेड़ के मारेगा। दोस्तों मैं सिद्ध बात बता दूँ, वैसा ही दोस्तों ये खबीस जिन होता है। और दोस्तों लाजमी बात है दोस्तों, मैं जैसा साधना दिया हूँ वैसा करिएगा तो खबीस जिन दोस्तों 2 मिनट में मिलेगा, या तो दोस्तों आपकी मर्जी।
चलिए गुड लक टाटा पीके साधना को सब दोस्त सब्सक्राइब करें तभी दोस्तों मेरा आने वाला वीडियो मिले। हाँ तो दोस्तों यही दोस्तों बात है। और दोस्तों आई एक और मैं बात बता दूँ स्त्री की बात। जो दोस्तों स्त्री हैं वो दोस्तों ये साधना कभी जिनकी ना करें, कभी ना करें, करें तो किसी गुरु के इजाज़त में करें, नहीं तो इस तरह अपने आप करेंगे तो वो कभी जिन लंग मतलब कि लंगा वस्त्र में कर देगा, कपड़े उतार देगा। मैं दोस्तों ये जो जितना भी साधना देता हूँ दोस्तों वो डिफरेंटली कभी भी गलत नहीं देता। मैं अगर मतलब पहला ही मैं दोस्तों आपको सावधान कर दूँ, और पुरुष के लिए दोस्तों उतना भी भारी बात नहीं है, नाम वाला एक बार देख ले। बाकी तो दोस्तों खबी जिन अगर खबी जिन सिद्ध हो गया तो दोस्तों उससे एक वचन ले लें कि मेरे परिवार को तू तंग मत करना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बहुत ही बात हो गई।